जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा युद्ध होगा, युद्ध होगा, जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा युद्ध होगा, युद्ध होगा। कहाँ पहुंचे हम तो लोग से पता करने हैं, बारिश हो रही है, डीजल बहुत महंगा यहाँ पर पड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही और खेती की लागत तो बढ़ रही, क्या फसलों के दाम भी बढ़ेंगे? किसान सारे सवाल है हमारे किसान, हम जाएंगे नहीं गोपनीय पर, नहीं खुल करा के फिर आएंगे, पब्लिक मीटिंग नहीं है, हम लोग उसे जाकर मिल रहे हैं, लोग के हाल चाल जान रहे हैं, जो लोग वहाँ पे डेथ होगी जिंदगी उनके वहाँ पे जा रहे हैं। किसान आंदोलन को चलते 7 माह पूरे हो चुके हैं लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है, आगे और कितना आंदोलन चलने की ये सरकार बताएगी? भाई किसान तो वापसी आएगा नहीं, किसान तो रहेगा वहीं, और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे, 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले, वही सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा युद्ध होगा, युद्ध होगा। राकेश टकेत की जो स्टेटमेंट चलाई जा रही है, जो कि कहा गया कि जंग का माहौल बन रहा है, ये जंग का माहौल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, ये जंग का माहौल किसानों के ऊपर दबाव बनाने के लिए बनाया जा रहा है। हिसार के अंदर जिस तरह से किसानों के ऊपर जंग का माहौल करते हुए जिस तरह की उनकी मारपीट की गई और फिर सरकार को मुकदमा वापस लेना पड़ा क्योंकि सरकार को पता था उन्होंने जंग का माहौल बनाया है और किसानों को दबाने के लिए बनाया है, किसानों को देशद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है, किसानों की हर स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश करने की कोशिश की जाती है ताकि इनको देशद्रोही बताया जा सके। हम राकेश टकेत की जो स्टेटमेंट है इसको जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करते हैं और किसानों के साथ बैठ के सरकार को बातचीत करके इस मसले को निपटाना चाहिए, ना कि बदनाम करके इस मसले को खटाई में डालने की कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा नहीं होगा देश के लिए भी और अच्छा नहीं होगा किसानों के लिए भी। लेटेस्ट न्यूज के लिए साडे चैनल नु सब्सक्राइब करो ते साडी लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन दबाना ना भूलियो।